किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है, लॉर्ड डेलाउजी का पूरा का पूरे चक्कर हुआ करते। मुद्दा आपको पहला समझ में आ रहा है कि ही कंप्लीटेड एंड कंसोलिडेटेड द मैप ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसने भारत का जो नक्शा बनाया है उसके कारण उसको आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट आपके जवाब। और वो नक्शा कैसे बनाया, वो नक्शा उसने युद्ध करके बनाया, और युद्ध के साथ साथ जो उसकी जो नीति थी जिसे हम लोग कहते हैं खालसा नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर आंसर, ही कंप्लीटेड एंड कंसोलिडेटेड द मैप ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसके लिए उसको आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। दूसरा जो मुद्दा उसको आधुनिक भारत का निर्माता क्यों कहते हैं, उसके पीछे है उसके रिफॉर्म्स। उसने बहुत सारे सुधारे लाने की कोशिश की। ही ट्राइड टू चेंज द इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, और वही इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी उसको याद किया जाता है। पहला जो रिफॉर्म था डेलाउजी का वो था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी, जैसे हमने इसके पहले के गवर्नर जनरल्स को देखा, कॉर्नवालिस को देखा, हेस्टिंग्स को देखा, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रिफॉर्म्स लाएंगे। डेलाउजी भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेंगे। बंगाल वॉज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। बंगाल एट दैट टाइम यूज्ड टू एनकंपास द एरियाज ऑफ असम, बिहार, सम पोर्शन ऑफ अवध, सम पोर्शन ऑफ उड़ीसा इज वेल। सो इतना बड़ा राज्य था। इसके साथ साथ डेलाउजी जब यहाँ पे आता है तो उसको पूरे भारत के ऊपर भी ध्यान रखना था। सो ही ट्राई टू डिसेंट्रलाइज हिज ओन पावर। वो गवर्नर जनरल तो था भारत का, सॉरी बंगाल का, बट लेटर ऑन जब उसको लगा कि बंगाल के लिए मुझे अलग से एक सत्ता चाहिए, तो उसके लिए एक अलग से एक ऑफिस क्रिएट करेगा जिसे कहते हैं आप लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो इम्पोर्टेंटली एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो अपने ही पावर को थोड़ा बहुत लूज करने की कोशिश करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर बंगाल का चार्ज दे देगा। ही विल बी रूलिंग ओवर बंगाल एज वेल एज सम पोर्शंस ऑफ इंडिया, बट एक नई पोस्ट बनाने की कोशिश करेगा। लेटर ऑन ही ऑल्सो ट्राइज टू एक्वायर, व्हेन ही ट्राइड टू एक्वायर न्यू टेरिटरी, उसके ऊपर वो सेंट्रलाइजेशन की पूरी कंट्रोल रखे। आप नई टेरिटरी को एक्वायर कर रहे हो, से फॉर एग्जाम्पल आपने बर्मा को एनेक्स कर दिया, आपने सिक्किम को एनेक्स कर दिया, आपने कोई नए नए स्टेट्स को, छोटे छोटे स्टेट्स को एनेक्स कर दिया, वो जितनी भी नई टेरिटरीज होगी उसके ऊपर सेंट्रलाइज कंट्रोल करेगा। गवर्नर जनरल सबसे टॉप के ऊपर होगा और उसके नीचे एक नई पोस्ट बनाएगा जिसे आप कहते हो कमिश्नर, और ये कमिश्नर फाइनली आपकी टेरिटरी के ऊपर रूल करेगा। मॉडर्न डे इंडिया के अंदर आपको ऐसी गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी यूनियन टेरिटरीज के अंदर, वेयर द प्रेसिडेंट इज ऑन द डॉक एंड द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट समवन कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटर्स और द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। यूनियन टेरिटरीज के अंदर है कि नहीं है ऐसा? द सेम काइंड ऑफ सिस्टम एग्जिस्ट, द नेम इज डिफरेंट, बट द कैरेक्टर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम स्टिल रिमेन्स द सेम। सो डेलाउजी की ये पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी कि जो जो नए नए एरियाज को ये कैप्चर कर रहा था, वो नए एरियाज को एक कमिश्नर नाम की जो पोस्ट थी उसके अंदर उसने रख दिया, सो दैट ही कैन मेंटेन डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी। आज के आधुनिक भारत के अंदर भी ऐसी ही आपको सिस्टम देखने को मिलती है, यूनियन टेरिटरीज के अंदर जनरली देखने को मिलेगी। हमने पौंडीचेरी बाद में फ्रेंच से लिया, तो वहां पे हमने एक अलग से एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट बना दी। हमारे दीव, दमन, गोवा जितने भी थे, चलो गोवा को तो स्टेटहुड मिल गया, दीव एंड दमन आर स्टिल अंडर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। लेटर ऑन दिस टेरिटरी इज गवर्न डायरेक्टली फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उस टाइम के प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट जो गवर्नर जनरल थे उनके अंदर पूरा का पूरा शासन चलता है। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डेलाउजी का सबसे मेन कंट्रीब्यूशन, साथ साथ दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये हम लोग देखते हैं वो है मिलिट्री रिफॉर्म्स। अब की सेना के अंदर भी ये रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेगा। ही वॉज इवन हु इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स इन टू द इंडियन आर्मी। भारत के अंदर जो यूरोपियन जितने भी सोल्जर्स थे उसका भी जो बढ़ावा करना है वो भी डेलाउजी ने किया। साथो साथ ही वॉज ऑल्सो दी वन हु इंक्लूडेड द मार्शल ट्राइब्स इन द रेजिमेंट। आर्मी के अंदर है ना हमारी मराठा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट, सो ही आइडेंटिफाइड, गुरखा रेजिमेंट है, सो ही आइडेंटिफाइड कि ये मार्शल ट्राइब्स है, ये आराम से लड़ाई कर पाएगी, ट्रेडिशनली वॉरफेयर के साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी जो इंक्लूजन करना है उसका भी एक सेटअप करना है गुरखास का एंड ऑल, उसकी भी शुरुआत जो है वो भी डेलाउजी से। सो आधुनिक भारत के अंदर जो हम लोग निर्माता की बात कर रहे हैं, निर्माता के तहत हमने सबसे पहला जो पॉइंट देखा था वो था मैप, आपका पूरा पूरा नक्शा तैयार करना। नक्शा तैयार कर दिया उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नक्शे के अंदर जो भी नए प्रदेश आ रहे थे वो नए प्रदेशों को किस तरह से एडमिनिस्टर करता है उसके पीछे उसने नई कमिश्नर की पोस्ट बना दी।
साथों साथ अपनी आर्मी को भी और स्ट्रेंथन करना था, इसके लिए अपने यूरोपियन सोल्जर्स की प्रेजेंस तो बढ़ाई, साथों साथ इंडिया के अंदर जो भी मार्शल ट्राइब्स थी जो पहले के टाइम से जानी जाती है कि ये लोग लड़ाई कर सकते हैं, उनकी भी एक डेफिनेट अलग से एक रेजिमेंट्स बनानी भी शुरुआत डलहौजी के द्वारा होती है। सो सेकंड पॉइंट, मिलिट्री रिफॉर्म्स के अंदर भी डलहौजी को याद किया जाता है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट सोल्जर्स ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, सबके यूनिफॉर्म भी अलग अलग हुआ करते थे, आप देखते रहिएगा। इसके कारण ही बवाल हो जाती है, हम लोग देखेंगे 1857 का जो विद्रोह था इसको लेके। थर्ड रिफॉर्म वॉज एजुकेशनल रिफॉर्म्स, यहाँ पे शिक्षण को लेके भी डलहौजी को याद किया जाता है। वन ऑफ द फंडामेंटल रिफॉर्म्स डन बाय डलहौजी विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन वॉज कि 1854 का जो चार्ल्स हुड डिस्पैच आया था, उस टाइम के अंदर गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था, लॉर्ड डलहौजी। इट चेंज द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, भारत के अंदर जो शिक्षण की जो प्रणाली थी उसको पूरा का पूरी तरह से परिवर्तन किया गया। इट वॉज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया विच वॉज ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू डलहौजी। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एंग्लो वर्नेक्युलर स्कूलिंग, है ना, एंग्लो वर्नेक्युलर पहले कैसा था, खाली इंग्लिश एजुकेशन था। फ्रॉम 1835 एक्ट जब आपका जो मैकॉले स्पिनिट था, इट वॉज फेयरली बेस्ड ऑन इंग्लिश एजुकेशन, बट 1854 का जो चार्ल्स हुड का डिस्पैच आता है वो फोकस करता है कि भाई प्राइमरी एजुकेशन आपका वर्नेक्युलर लैंग्वेजेस के अंदर हो और आपका जो इंग्लिश एजुकेशन होगा वो हायर सेक्शंस के अंदर किया जाएगा। आज की तारीख में भी जनरली हम लोग यही सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जनरली यही होता है कि टिल द टाइम यू स्टडी इन ट्वेल्थ, जनरली गांव के अंदर और वहां पे यही सिस्टम देखने को मिलती है। व्हेन यू गो टू हायर एजुकेशन, आप इंजीनियरिंग और आप मेडिकल या चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो भी पढ़ोगे वो सब इंग्लिश के अंदर पढ़ते हो, बट जनरली यू स्टार्ट विद एंग्लो वर्नेक्युलर स्कूलिंग। ही वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 कॉलेजेस, वो प्रेसिडेंसी कॉलेजेस थी ना, लंदन यूनिवर्सिटी का जो मॉडल था, चार्ल्स वुड डिस्पैच को याद करिएगा, तो उसके अंदर जो भी चीजें थी वो सब डलहौजी के कारण ही आई गई है या उसके साथ ही रिलेट की जाती है, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूशन कराने वाला जो इंसान था वो कौन था, वो था लॉर्ड डलहौजी। ओके, फॉलोइंग द मॉडल ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी का जो मॉडल है उसको फॉलो करते करते ये पूरा का पूरा सिस्टम एजुकेशन का लाया गया था। यहाँ पे रुड़की के अंदर आज एक IIT है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज, जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत की थी वो भी डलहौजी के राज के दौरान। ओके, सो अप टिल दिस टाइम वी हैव सीन द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन एज वेल एज द पॉलिटिकल कंक्वेस्ट ऑफ डलहौजी। ओके, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच कौन था, इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, 1854 के अंदर चार्ल्स वुड ने लाया था, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एट दैट टाइम, और ये पूरा का पूरा सिद्धांत लेके आता है। ओके, और रिफॉर्म्स करता है वो है रेलवे का डेवलपमेंट। भारत के अंदर आधुनिक रेलवे का जो शुरुआत होती है वो भी डलहौजी के राज के दौरान। फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज सेटअप इन 1853 बिटवीन विच बॉम्बे एंड थाने। ओके, सो फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन मुंबई एंड थाने विच वॉज सेटअप इन 1853 वो भी डलहौजी के राज के दौरान हुई थी। ही प्लांट दी स्ट्रेटेजिक लाइन्स टू फैसिलिटेट दी मूवमेंट्स ऑफ ट्रूप्स एंड दी गुड्स। सो इंडिया के अंदर जो उसका जो ऑब्जेक्टिव था, जो गुड्स का ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पे ट्रेडिंग अच्छी तरह से हो पाए, साथों साथ यहाँ पे जो पूरा का पूरा ट्रूप मूवमेंट हो पाए। और आप देखिएगा कि ही बिल्ट दी रेलवे लाइन इन 1853 और उसके बाद से 3-4 साल में और डेवलप कराने की कोशिश की, तो 1857 का जब रिवॉल्ट होगा तो उसमें यही का यही इंफ्रास्ट्रक्चर काम में भी आएगा, क्योंकि इजी मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स टुक प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द ब्रिटिश आर्मी। और हमारे लोग बेचारे घोड़े पे जाते जाते गिर जाते थे, दौड़ते दौड़ते तो उनको हरा दिया गया, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। द रेलवेज वर यूज फॉर डिफेंस पर्पज, यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव डिफेंस पर्पज था, एंड दे ऑल्सो मेड इंडिया एज ए नेशन। रेलवेज क्रिएटेड द बेस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत के अंदर राष्ट्रवाद का जो गंगा जमुना की जो फीलिंग बहनी शुरू हुई उसके पीछे रेलवेज का बहुत महत्व का रोल रहा है, ठीक है, हम लोग देखते हैं रेलवेज को पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के अंदर देखेंगे। ओके, सो दे मेड इंडिया एज ए नेशन, इंडिया को एक नेशन बनाने के पीछे भी रेलवेज का बहुत बड़ा डेवलपमेंट है 1853। ओके, सो दिस वॉज द ईस्ट इंडियन रेलवे, कुछ उसी टाइम के अंदर यहाँ पे फर्स्ट रेलवे का कुछ पिक्चर किसी ने बनाया।